बंगाल में बीजेपी पहुंचे हुए हैं और विश्व सिंह का सहयोग कर रहे हैं मेरे सामने से जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख प्रयास किया जाए। बोलो बोलो धन्य से गुरु जी हेलो भाई मैं नवीन कुमार डिप्टी मेयर करनाल से मैं गुरु जी अपनी तरफ से और करनाल जिले की सभी शासकों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। जो आपने ये करनाल में दूसरा सफाई अभियान की शुरुआत की गई है तीसरा मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी शासकों की तरफ से और बहुत खुशी हुई और करनाल की साथ संगत भी अपने भंडारा बना रही है जी सभी खुशी से अपने यहाँ पे और बड़े जोरों शोरों से अपने हर्षोल्लास से और सभी संगत ने यहाँ करनाल की सभी संगत ने सफाई अभियान में पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जैसे ही आपने उधर से आदेश दिया तभी पूरी संगत अपने झाड़ू लेके और अपने सामान लेके तभी अपने सफाई में हमारे शहर के वासियों ने एक अच्छी पहल की है। स्वच्छता हमारा परम धर्म है, जहाँ स्वच्छता है वहाँ भगवान निवास करते हैं। इसी भाव को लेकर धनबाद शहर के वासियों ने जो ये स्वच्छता अभियान चलाया मैं इस गतिविधि में बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि अपने शहर को स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी भी है। जहाँ प्रशासन और सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं यदि नागरिक जिम्मेदार होकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बीमारियों से हम मुक्ति पा सकते हैं। अपने शहर को स्वच्छ रखने के साथ साथ उसे खूबसूरत और सुंदर भी बनाया जा सकता है। आज ये संदेश जिस तरह से सभी नागरिकों से निकल कर आया है मैं इस बात के लिए सभी नागरिकों का आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आपके स्वच्छता का संदेश इन्होंने शहर के लगभग 5 भागों में इस संदेश को दिया है। इसमें भी शहर में जाना जरूरी काम है। वैसे भी हमारे माननीय सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जो स्वच्छता अभियान चलाया था उससे हमें बहुत ज्यादा लोगों के व्यवहार में और लोगों के इस तरह के परिवर्तन मिले थे जिससे कि हमारा शहर भी स्वच्छ हुआ था और पूरा शहर स्वच्छता की ओर आगे कदम बढ़ाएंगे। आज मैं सभी नागरिकों का इस बात के लिए आभार व्यक्त कर रही हूँ कि आपने यह स्वच्छता का संदेश पूरे शहर के कोने कोने में फैलाया और यह संदेश हम उसमें हमारे नागरिकों की कोई भागीदारी ये प्रदेश की जो एक लाभ है हमारे पालिका का एक अनुभव अपनी जिम्मेदारी को